स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो क्या है, पेंक्रियास। कह रहे हैं इट इज़ अ सॉफ्ट फिश शेप्ड फ्लेटेनेड पिंकिश ग्लैंड। इट इज 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक एंड एक्सटेंड अप टू द सी कर्व ऑफ ड्यूडेनम। मीन्स जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट है उसका कर्व सी ऐसा होता है, उस जगह पर सिचुएटेड होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड बिकॉज पैंक्रियास एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। इट्स एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। और एसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फ्रॉम एंडोक्राइन पार्ट, और इसमें लैंगरहैंस की जो कहा जाए एसलेट्स हैं हमारी कहा जाए वो एंडोक्राइन होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती हैं, इसीलिए पैंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। नेक्स्ट, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपके दिया है कि पैंक्रियाज हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा गाल ब्लेडर है। मैंने आपको बताया था कि गाल ब्लेडर जो होता है वो गाल ब्लेडर और ये हेपेटिक डक्ट है लीवर की, ये दोनों मिलकर आकर ओपन होती कहाँ, ओपन होती हैं आकर हमारे पैंक्रियाज। पैंक्रियास जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, यानी यहाँ पर हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट दी गई है जो डक्ट पैंक्रियास को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे ड्यूडेनम पार्ट से जोड़ती है। तो उस पैंक्रियाटिक डक्ट से हमारी बाइल डक्ट जुड़ जाती है, और बाइल डक्ट क्या लाती है, बाइल जूस लाती है। और बाइल जूस जो है वो कहाँ बनता है, हेपेटिक सेल से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेप्टो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हेप्टो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये टेल ऑफ पैंक्रियास है, पीछे का लास्ट पार्ट है हमारा। ये हमारा बॉडी ऑफ पैंक्रियास है एज लाइक फिश सेफ है। हेड ऑफ पैंक्रियास हमारा है, और इसमें जो आउटर पार्ट यानी कहा जाए ये क्या है हमारा, ये हमारी एक मिक्स ग्लैंड है, इसलिए ये एक्सो भी होगी और एंडो भी होगी।